हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कॉलम रिइंफोर्समेंट के बारे में। तो उसमें कॉलम रिइंफोर्समेंट क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या रिइंफोर्समेंट मिनिमम होना चाहिए और स्टेप्स की स्पेसिंग क्या होनी चाहिए। तो कॉमन मिस्टेक आप इसमें जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे कॉमन मिस्टेक है कि जो सभी बार होते हैं कॉलम के वो क्या होते हैं, वो बराबर नहीं छोड़ने हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो गई, ये सबसे बिग मिस्टेक है। इसमें अगर आप बराबर सरिया छोड़ देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, फ्यूचर में जब भी आपका लोड क्या होता है, एक्सियल जो लोड होता है, जो कॉलम के ऊपर जो लोड पड़ता है, जैसे कॉलम बीम का जो लोड आ रहा है इसके ऊपर आ रहा है, कॉलम को कॉलम रेजिस्ट करता है, तो जैसे इस पर लोड आएगा तो बकलिंग चांस वहाँ से ही होते हैं, खुलने का जो चांस होते हैं बाहर बकलिंग लोड। एक तो दो तरीके से होते हैं, एक्सियल जो लोड आएगा ऊपर से तो वो कॉलम क्या होगा, अंदर की तरफ फोर्स करेगा, तो वो कॉलम जहाँ पर भी जितने सरिया होते हैं वो अंदर की तरफ रिएक्ट करेंगे, तो कॉलम क्या होगा, बकलिंग नीचे से फट जाएगा कॉलम, ठीक है, वहाँ से ही कॉलम क्या होगा, फट जाएगा। इसीलिए जो भी कॉलम के जो सरिया होता है जहाँ पे भी बीच में आप ओवरलैप करते हैं तो वो अल्टीनेट छोड़ना चाहिए, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा या फिर एक छोटा, उसमें सरिया ऊंचे नीचे छोटे बड़े उसमें छोड़ने चाहिए, ताकि जो जो भी जो सरिया होता है जो मेन बार इसमें प्रोवाइड करते हैं वो जो फोर्स है, ये जो लोड जो कॉलम का एक्सियल जो लोड आएगा वो एक दूसरे पर अप्लाई हो जाए, ठीक है। जो सरिया यहाँ पे अब दोनों बराबर के ऊपर से फोर्स आया तो दोनों एक साथ इसमें रिएक्ट करेंगे तो वो अल्टीनेट छोड़ेंगे। जब हम अल्टीनेट छोड़ेंगे तो वो फोर्स क्या होगा, एक दूसरे पर जो लोड होगा ऊपर से रिएक्ट करेगा, एक दूसरे पर वो अप्लाई हो जाता है फोर्स, ठीक है, एक दूसरे पर वो अप्लाई हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये कॉमन मिस्टेक है, ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये बराबर है, जब छोटे बड़े नहीं है, ये जब ये आठों सरिया देख रहे हैं ये सब मैनुअली बराबर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। बट ये कॉमन मिस्टेक ये है कि इसको जो हमेशा छोड़ें अल्टीनेट के अंदर छोड़ें, जैसे कि ये ऊपर है, एक सरिया जैसे ऊपर है तो एक सरिया मिनिमम जो ये वाला कटिंग से लेंथ है यहाँ पे छोड़ेंगे इसको मिनिमम यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे छोड़ेंगे ये वाला जो लेंथ है मिनिमम यहाँ पे छोड़ेंगे। और ये किस लेंथ में छोड़ें, जैसे क्लियर हाइट है इस कॉलम से लेकर, जो क्लियर हाइट होती है, जैसे कि ये कॉलम है आपका, ये इस फ्लोर से लेकर उस बीम के नीचे तक क्लियर हाइट हो गई, तो बीच का जो हिस्सा होता है एच बाई थ्री, ये हाइट डिवाइड बाई थ्री जो भी बीच का हिस्सा आएगा उसके अंदर आपको ओवरलैप प्रोवाइड करने होते हैं। और इसमें इसकी स्ट्रप की स्पेसिंग मिनिमम छः इंच, वो सॉरी, जो इसमें देख बिग मिस्टेक क्या होता है, एंड जोन ए मिडल जोन, जो फोर्स होता है जो एक्सियल लोड इस पर ऊपर से लगता है, जो फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, एंड सपोर्ट पर होते हैं, एंड सपोर्ट, ये आपका एंड सपोर्ट हो जाएगा नीचे से, तो वो मिनिमम एच बाई थ्री या फिर एच बाई फोर तक मिनिमम एंड सपोर्ट लेंगे। इसके जो स्ट्रप्स की स्पेसिंग होती है मिनिमम 75 to 100 mm तो मिनिमम हो स्पेसिंग होनी चाहिए इसमें, ठीक है। और बीच में हम स्पेसिंग क्या ले सकते हैं, 100, 125 या 150 तक, इसमें स्पेसिंग मिनिमम 150 तक होती है, डिपेंड करता है एच पर लोड। और दूसरी बात देखते हैं कि यहाँ पे कॉलम में जो सरिया प्रोवाइड करिए, आठों सरिया प्रोवाइड हुए हैं वो सभी क्या हैं, 12 के हैं। जो लोड जो सरिया का जो स्ट्रेंथ होती है डिपेंड करता है लोड पर ये 12 के जो सरिया इतनी स्ट्रेंथ नहीं लोड नहीं ले पाएंगे। इसमें तीन फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, दो फ्लोर है, उसमें बीम का लोड भी आएगा, स्लैब का लोड भी आता है, तो वो इसे इतना जो लोड है वो रजिस्ट नहीं कर पाते, इसलिए इसमें रिइंफोर्समेंट मिनिमम 16 के होने चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट हो गया आपका स्ट्रप्स एंड जो मिडल जोन का क्या होना चाहिए, दूसरा आपका ओवरलैपिंग देख सामने भी देख रहे हैं, ये ओवरलैपिंग कहाँ है, बीच में दे दिया है। ओवरलैप कितना होना चाहिए, 15 to D मिनिमम होना चाहिए, 15 to D, 50 के आपका 50 और D के आपका डायमीटर बार, अगर ये 12 mm का बार है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कॉमन मिस्टेक है, बराबर आ रहे हैं। और इस तरफ जैसे बीच में देख रहे हैं समोसा रिंग बोलते हैं, ये बीच में आ रहा है, यहाँ पर छोड़ दिया है, ये लोड क्या है डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया दूसरे पर, यह बराबर नहीं कर पाता है, ये बकलिंग होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ से जो ओवरलैप प्रोवाइड करेंगे ये वाला फेस से इस वाले फेस तक, तो इसकी जो ओवरलैप होनी चाहिए मैंने 15 to D, D क्या है, डावरी बार 50, जैसे कि 12 का 12 × 5 = 60, ठीक है। तो मिनिमम यहाँ से यहाँ तक हम जो लेंथ प्रोवाइड लेंथ इसकी मेजर करेंगे 600 मिनिमम होना चाहिए। एंड दूसरा पॉइंट ये कैसे प्रोवाइड करते हैं, और जैसे कि ये देख रहे हैं यहाँ पे स्लैब क्रैंक बार प्रोवाइड हुए हैं, यहाँ पे ये क्रैंक बार कितना देते हैं, L/4 से L/5 तक स्लैब के अंदर, और बीम के अंदर L/4 से L/7 तक लेते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्रैंक बार प्रोवाइड हुई है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे क्रैंक बार हो गया है यहाँ तक, तो इसमें एक बीच में क्या डालते हैं, एक्स्ट्रा बार भी जिसमें बीच में प्रोवाइड करते हैं,
एक्स्ट्रा बार कहाँ पे करेंगे, यहाँ से लेकर जो बीच में जो इसका स्पेस है, दोनों का जो स्पेस है वहाँ पे स्लैब से हम स्टार्ट करते हैं जो क्रैंक्स। ये कहाँ पे रजिस्ट कर रहा है, वाल के ऊपर, वाल के ऊपर ये क्या रजिस्ट कर रहा है अगर यहाँ पे कोई बीम है तो बीच में जो एक्स्ट्रा बार लेते हैं वहाँ पे बीच में, तो वो मिनिमम एक फीट तक, मिनिमम इस क्रैंक बार से एक फीट तक आगे आता है। फिर इसके नीचे क्या डिस्ट्रीब्यूशन हम बार प्रोवाइड करते हैं, 10 mm का या फिर 8 mm का, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बार होनी चाहिए थी बीच में, यहाँ पे इधर बीच में से, और वहाँ पे बीम है, साइड सपोर्ट है ये वाला, जिसका साइड सपोर्ट है बीच, ये साइड सपोर्ट है, बीम प्रोवाइड हुई है, तो यहाँ पे भी एक बीच में एक्स्ट्रा बार होनी चाहिए थी यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बार आनी चाहिए, और उसके बाद फिर नीचे चेयर प्रोवाइड करते हैं। और हाँ, काफ़ी बार बार पूछ रहे थे कि मेन बार क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है, वो मैं आपको बता दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।